नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। क्या हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, कब हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किस दिन पे हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्या करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम बहुत सारी जो दहशत भरी फिल्में हैं या जो डरावनी फिल्में हैं उसमें हमेशा किस्से कहानियों में सुनते हैं कि पीपल का पेड़ जो होता है उसके ऊपर भूत प्रेतों का निवास होता है। शायद इसी भ्रांति के मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों का मानना ये है कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूतों का, पिशाचों का वास होता है, इसीलिए हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करने से भूत प्रेत हमारे चिपक जाते हैं या भूत प्रेत हमारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन असलियत देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल के पेड़ के ऊपर प्रेतों का वास नहीं होता, जबकि पीपल के पेड़ के ऊपर देवताओं का, देवों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु पीपल के पेड़ के ऊपर वास करते हैं, इसीलिए जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके ऊपर स्थायी, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, उनके ऊपर शुभता आती है, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो उनसे दूर चली जाती है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर बोलूँगी कि आप पीपल के पेड़ की पूजा करें तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी, अपार सफलता प्राप्त होगी। जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अगर वो लोग पीपल के पेड़ के ऊपर प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनके साथ परिक्रमा करते हैं, तो उनको निश्चित तौर पे भाग्य का साथ मिलता है और निश्चित तौर पे उनके घर में स्थायी लक्ष्मी आती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी से वो भर जाते हैं और आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आना चाहती अगर हम पीपल के पेड़ की या पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। अब पीपल के वृक्ष की पूजा कब नहीं करनी चाहिए, ये ज़रूरी है आपको बताना कि पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करें, लेकिन रात के टाइम में, रात के समय में पीपल के वृक्ष की पूजा करना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि बोला जाता है कि रात में पीपल पर दरिद्रा का वास होता है और सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष के ऊपर लक्ष्मी माँ का वास होता है, ये कथा मानी गई है। बहुत ही छोटी सी पौराणिक कथा है कि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव लेके गए, लेकिन लक्ष्मी माँ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ है तो मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। इस पर विष्णु भगवान जी ने बोला कि ठीक है, दरिद्रा का विवाह मैं करवाऊँगा, तुम बताओ कि उसके लिए कैसा वर चुनना चाहिए। दरिद्रा ने यह शर्त रखी कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो पूजा पाठ नहीं करता हो और मुझे ऐसा स्थान चाहिए, मैं ऐसे स्थान पर वास करना चाहती हूँ जहाँ पर पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होता हो। तो ऐसा ही शर्त के अनुसार विष्णु भगवान जी ने ऐसा ही वर जो था वो उनके लिए चुना, ऋषि नामक वर था जो उनके लिए चुना, और कहा कि ये पूजा पाठ नहीं करता है। और रविवार के दिन हम क्यों बोलते हैं कि पूजा नहीं होती पीपल के पेड़ की, क्योंकि उस पर दरिद्रा का वास होता है। रविवार के दिन दरिद्रा जो थी, जो बड़ी बहन थी लक्ष्मी जी की, उनका वास होता है, इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप रविवार को कभी भी पीपल के पेड़ की ना तो पूजा अर्चना ना करें, ना पीपल के पेड़ को हाथ लगाएं। ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, इससे आपको पता लग गया होगा कि रविवार के दिन हमें कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए पीपल के पेड़ की, क्योंकि जो इंसान, जो मनुष्य पीपल के पेड़ की पूजा करता है रविवार के दिन, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, उसके घर में सुख शांति कभी नहीं होती और उसको सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर दरिद्रता का वास होता है रविवार के दिन, और देखा जाए तो शनिवार के दिन लक्ष्मी माँ का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन आप बिल्कुल पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये रविवार जो है ये निषेध माना गया है कि आप पूजा अर्चना नहीं करें। आप देखें तो पीपल के पेड़ को काटने से भी बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि पीपल का वृक्ष जो है उस पर देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें काटना नहीं चाहिए।
ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कारणवश किसी कारणवश हमें घर के अंदर अगर पीपल का पेड़ उग गया है या कहीं आसपास है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते तो हमें उसको काटना ही पड़ेगा, तो आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को काट सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी है तो, वरना अगर ना ही काटें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो लोगों की तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।